बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालबात। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तुलबा, आज हम पेपर की बात करेंगे। वो पेपर जो फेडरल बोर्ड में 2020 में स्पेशल एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था अक्टूबर में, वो पेपर है जो आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। इसमें ये मारूजी पेपर है जिसके कुल नंबर 20 हैं और ये वर्जन नंबर 4032 है। हम इसको देखते हैं। ये आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि एक तो आपको पता चल जाए कि किस तरह के एमसीक्यूज पेपर में आएंगे, क्योंकि ये आपकी बुक चेंज है और इसका ये फर्स्ट पेपर है जो पहली दफ़ा पेपर हुआ, क्योंकि पहली दफ़ा जो एनुअल एग्ज़ाम थे वो नहीं हुए कोविड-19 की वजह से। तो ये स्पेशल एग्ज़ाम था जिसका ये पेपर हुआ, तो आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहूँगी। ये पेपर, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको अगर आप देखें तो क्वेश्चन 1 है, इब्रार माशरे में अपना वक़ार खो बैठा। इस जुमले में बैठा कौन सा फेल है? ऑप्शन ए फेल नाकिस, ऑप्शन बी असल फेल, ऑप्शन सी इमदादी फेल या मावन फेल, ऑप्शन डी बुनियादी फेल। इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, इमदादी फेल या मावन फेल। नंबर 2 एमसीक्यू है, शामले निसाब सबक मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम में शिबली नोमानी ने मुसलमानों के तालीमी सफ़र को कितने अदवार में तकसीम किया है? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन सी है, 3। नेक्स्ट ऑप्शन सॉरी नंबर 3, उर्दू पढ़ो उर्दू बोलो तहरीक चलाने पर पंजाब का बबाए उर्दू किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुश्ताक अहमद यूसफी, ऑप्शन बी मौलाना सलाहुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी चिराग हसन असरत, ऑप्शन डी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन बी है, मौलाना सलाहुद्दीन अहमद। नंबर 4 अनंदी, किस के अफसानों का मजमुआ है? इसमें ऑप्शन ए गुलाम अब्बास, ऑप्शन बी अल्ताफ़ फातमा, ऑप्शन सी सादत हसन मिंटो, ऑप्शन डी शौकत सदीकी। तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए गुलाम अब्बास। नंबर 5 अफसाना माए किस किताब से माखूज है? इसका जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए घर से घर तक, ऑप्शन बी नीला पत्थर, ऑप्शन सी कपास का फूल, ऑप्शन डी सोनाटा। इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी कपास का फूल। नंबर 6 एक्सीडेंट के नतीजे में अब्दुल्ला के जिस्म का कौन सा उज़्व कट गया था? ऑप्शन ए एक कान, ऑप्शन बी एक टांग, ऑप्शन सी एक हाथ, ऑप्शन डी एक बाजू। इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी एक टांग। नंबर 7 अफसाना मौसने मल्ला के मरकजी किरदार मास्टर अलियास का ताल्लुक किस शहर से था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी गुरदासपुर। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी अंबाला। नंबर 8 शामले निसाब अफसाना कंडक्टर का मरकजी मौजू क्या करार दिया जा सकता है? ऑप्शन ए अहद ओहदे से मोहब्बत, ऑप्शन बी मालो दौलत से मोहब्बत, ऑप्शन सी पाकिस्तान से मोहब्बत, ऑप्शन डी बीवी से मोहब्बत। इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी
पाकिस्तान से मोहब्बत। नंबर 9, हाजी औरंगजेब खान पेशावर में किस कारोबार से मुंसलिक थे? ऑप्शन ए लकड़ी के, ऑप्शन बी ईंट बजरी के, ऑप्शन सी गाड़ियों के, ऑप्शन डी होटल के। इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए लकड़ी के। नंबर 10, जवाबे शिकवा में फरिश्तों ने सुकाने ज़मीन को किस से गाफिल करार दिया? ऑप्शन ए फ़राइज़ से, ऑप्शन बी अदाब से, ऑप्शन सी इबादत से, ऑप्शन डी इल्म से। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी अदाब से। 11 नंबर पे एमसीक्यू नंबर 11, शायरे इनकलाब और शायरे फितरत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नून मीम राशिद, ऑप्शन बी मजीद अमजद, ऑप्शन सी जोश मलियाबादी, ऑप्शन डी अख्तर शीरानी। इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी जोश मलिहा आबादी। नंबर 12, मीरा जी का असल नाम क्या था? मीरा जी का असल नाम ऑप्शन 1 मोहम्मद अताउल्ला डार, मोहम्मद शफा बी ऑप्शन मोहम्मद शफा उल्ला डार, ऑप्शन सी मोहम्मद जका उल्ला डार, ऑप्शन डी मोहम्मद सना उल्ला डार। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी मोहम्मद सना उल्ला डार है। नंबर 13, सात रंग के नाम से हफ्तावार रिसाला किसने जारी किया था? ऑप्शन ए मुनीर नियाजी, ऑप्शन बी मोहम्मद सॉरी अख्तर शीरानी, ऑप्शन सी नून मीम राशिद, ऑप्शन डी मीरा जी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है मुनीर नियाजी। नंबर 14, वजीर आगा की शामली निसाब बड़े डरपोक हो रिसाले औराक के किस शुमारे से ली गई है? शामले निसाब नज़म बड़े डरपोक हो रिसाले औराक के किस शुमारे से ली गई है? इसका ऑप्शन ए है अगस्त सितंबर 1998, अगस्त ऑप्शन बी अगस्त सितंबर 1995, ऑप्शन सी अगस्त सितंबर 1996, ऑप्शन डी अगस्त सितंबर 1997। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है अगस्त सितंबर 1995। नेक्स्ट नंबर 15, शामले निसाब किस गज़ल गो शायर ने मिल बैठने और ख्वाबों में शराकत को मोहब्बत के रिश्ते की शर्त करार दिया है? इसका ऑप्शन ए जफर इकबाल, ऑप्शन बी इलामा इकबाल, ऑप्शन सी वजीर आगा, ऑप्शन डी अहमद फराज। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए जफर इकबाल। नंबर 16, ज़ैल में से किस शायर का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था? ऑप्शन ए का दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है अहमद फराज। नंबर 18, इबारत या जुमले में इस्तेमाल होने वाली रमूज़े औक़ाफ़ बुनियादी तौर पर क्या है? ऑप्शन ए इलामात, ऑप्शन बी तशबीहात, ऑप्शन सी इसमें सवालात और ऑप्शन डी इस्तारात। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए इलामात। ऑप्शन 17 सॉरी नंबर 17 बता देती हूँ दोबारा से क्योंकि ये छूट गया था। इसमें देखिए हिजरत माजी की याद किस गज़ल गो शायर की शायरी के अहम तरीन अज्जाया नासिर हैं? ऑप्शन ए शहजाद अहमद, ऑप्शन बी नासिर काजमी, ऑप्शन सी अहमद फराज, ऑप्शन सी मुजीद अमजद। इसमें जो इसका
दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी नासिर काजमी। और नंबर 19, इमदादी फेल हमेशा किस फेल के बाद आता है? ऑप्शन ए असल फेल, ऑप्शन बी फेल ताम, ऑप्शन सी फेल लाजिम, ऑप्शन डी फेल नाकिस। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है असल फेल के बाद। ये अलामत है कोमा और डॉट, ये किसकी अलामत है? ऑप्शन ए है फिजाइया, ऑप्शन बी सकता, ऑप्शन सी राबता, ऑप्शन डी वक्फा। तो ये ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। और इसका ये 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं, अज़ीज़ तुलबा इनको अच्छी तरह देख लें। फ़िलहाल तो आपका रिड्यूस सिलेबस से आना है, लेकिन आपको इतना आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि इस तरह के सवाल आपको एमसीक्यूज़ में पूछे जाएंगे। आप इनकी अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।